तो मुझे वहाँ से घसीट कर निकाल दिया गया। व्यक्तिगत झगड़ा बना दिए हैं इस मैटर को। मुझे विश्वविद्यालय में प्रवेश से भी रोक लगा दिया गया। विश्वविद्यालय लग रहा है कि उन लोगों का निजी संपत्ति है। मैं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में पढ़ा रहा था। जब मैं नेट क्वालिफाई किया उस समय मुझे बुलाया गया पढ़ाने के लिए। इसके पहले भी विश्वविद्यालय में बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों से काम करवाया गया, वहाँ अध्यापन का कार्य करवाया गया, जो एलिजिबल नहीं थे, जो टॉप किए हुए रहते थे यूनिवर्सिटी उनसे काम लेते थे, और ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा था। लेकिन मैं नेट क्वालिफाई किया था और मेरा नाम पेपर में आया था, तो विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष ने मुझसे संपर्क किए और बोले कि आप यहाँ पढ़ाइए और घंटी आधारित टीचर को जो दिया जाता है वो आपको दिया जाएगा। लेकिन मुझे किसी तरह का कोई राशि नहीं मिल रहा था। तब मैंने बहुत बार VC से भेंट किया और विभागाध्यक्ष से भी बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे पैसा दिया जाए, मुझे फ्री में मैं काम नहीं कर पाऊँगा, मेरा आजीविका इस तरह से कैसे चल पाएगा। तब मैंने VC से बहुत बार भेंट करने के बाद भी जब काम नहीं हो पाया, तब मैं महामहिम राज्यपाल महोदय श्री रमेश बैस से 15 अगस्त 2021 को भेंट किया और इन्होंने आदेश दिए कि इसे पैसा दिया जाए। लेकिन इनसे भेंट करने के बाद मुझे वहां से हटा दिया गया और मुझे किसी तरह का कोई राशि नहीं मिल पाया। मैं 1 वर्ष से अधिक समय तक वहाँ सेवा दिया और मुझे वहाँ से बहुत बेरहमी से हटा दिया गया। मेरा कुछ भी वहाँ नहीं सुना गया। तब मैंने 3 बार अनशन यूनिवर्सिटी में किया, भूख हड़ताल किया, और भूख हड़ताल करने के बाद भी जब मेरा वहाँ कुछ नहीं हो पाया, अंतिम बार तो मुझे वहाँ से घसीट कर निकाल दिया गया। और जब मेरा वहाँ से कुछ भी नहीं हो पाया, तब मैं राजभवन रांची के समक्ष 3 मई से बैठा हुआ हूँ। आज मेरा 5 महीना हो गया है और इस 5 महीने के दौरान महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा मानवता के आधार पर मुझे 1 लाख रुपया दिया गया। लेकिन मेरा मुख्य मांग यह है कि मुझे फिर से वहाँ पढ़ाने का अनुमति दिया जाए, मुझे हटाया नहीं जाए, मुझे बेरोज़गार नहीं किया जाए। मैं 70% दिव्यांग हूँ और मैंने 1 वर्ष तक वहाँ काम भी किया है, तो मुझे हटाया नहीं जाए, मुझे रोज़गार से जुड़ा रहने दिया जाए। और यहाँ बैठने के बाद मुझे 2 पत्र भी दिया गया, पत्र जारी किया गया। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से 1 पत्र जारी किया गया, उसमें था कि इसे पुनः वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाए। और दूसरा पत्र जो जारी किया गया वह माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रविन्द्रनाथ महतो के द्वारा जारी किया गया, और इसमें भी यह जिक्र है कि इसे वहाँ पढ़ाने का अनुमति दिया जाए। इन्होंने 1 वर्ष तक विश्वविद्यालय में सेवा दिया। ये 70% दिव्यांग हैं और इसे अभी सेवा से मुक्त कर दिया गया है, तो इसे मानवता के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इसे फिर से सेवा में बहाल करना चाहेंगे, ये इस पत्र में लिखा हुआ है। इसके बावजूद भी मुझे वहाँ पढ़ाने का अनुमति नहीं दिया जा रहा है विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों द्वारा। वे लोग व्यक्तिगत झगड़ा बना दिए हैं इस मैटर को, क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी में अनशन किया और यहाँ मैं जब अनशन पर बैठा हूँ, तो उन लोगों को बहुत बुरा लगा इससे। उन लोगों के खिलाफ़ मैं बैठा हूँ क्योंकि उन लोगों ने मेरे मांग को नहीं माना, मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया, इसलिए मैं धरना पर बैठा, अनशन पर बैठा। और इस चीज़ को लेके वे लोग ने नाराज़गी जताई और मुझे विश्वविद्यालय में प्रवेश से भी रोक लगा दिया गया। विश्वविद्यालय लग रहा है कि उन लोगों का निजी संपत्ति है। इस तरह से व्यवहार वे लोग व्यक्त कर रहे हैं, इस तरह से वे लोग बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ। ये तो सरकारी संस्थान है और सरकारी संस्थान में किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। वे लोग जो हैं बहुत मनमानी ढंग से काम करते हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये बहुत दुखद है। विधानसभा अध्यक्ष का लेटर है ये, इसमें हाथ विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का ही है। उन लोगों का मनमानी है और उन लोगों को शायद इस चीज़ का डर नहीं है कि उनके ऊपर भी किसी तरह का कोई पदाधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, जो उन लोगों से सवाल जवाब कर सकते हैं, उन लोगों को फटकार लगा सकते हैं, उन लोगों से इस तरह के व्यवहार से वे लोग व्यवहार कर रहे हैं, तो इन पर किसी का कार्यवाही का उन लोगों को डर नहीं है, इसीलिए वे लोग इस तरह से कर रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप
हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।